Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ankur Sharma and you are watching my other new video. आज फिर आ चुका हूँ मैं विकास भाई की दुकान पे. ये रे विकास भाई अपने. आपका स्वागत है अपना लो यूनिवर्स पे और भाई अंकुश भाई के चैनल पे आज फिर आया भाई. तो आज हम आपको दिखाएंगे क्या क्या गाड़ियों हम क्या क्या काम कर रहे हैं भाई. ये तो एक देख लो एक बार सारी गाड़ियाँ खड़ी है. ये बुलेट खड़ी है इनमें सारे काम करना हमने भाई. तो भाई इसमें आई टेन में बताओ क्या क्या हो रहा है. आई टेन में भाई अभी हमने इसमें अभी आई टेन में हमने पाइनर के स्पीकर लगाया भाई अभी. अच्छा और ये स्टेयरिंग का और सीम रहे जो भाई प्रवीण भाई ये फिटिंग देख लो. प्रवीण भाई की कितनी अच्छी फिटिंग करते हैं भाई. ये देख लो और कितना बढ़िया सीन. ये आपने भी हमारी इंस्टाग्राम पे रील में भी डाली थी जो भाई किया सोनेट में करवा गए थे उसकी स्टिच में और हमारी में दिखाओ क्या फर्क है. ठीक है ठीक है ये काम हो रहा है भाई इसमें. और अपनी ये आर्म रेस्ट लगाया हमने इसमें पीछे. हाँ ये आगे लगाना अभी लगाना है इसके कटन लगाने हैं. ठीक है भाई. दूसरी भाई ये भाई अब इसमें 16 इंच वाले व्हील डालने हैं भाई के 14 इंच टायर थे तो हम इसमें 16 इंच अभी इंस्टॉल कर रहे हैं. ड्रम पेंट हो गया इसमें. और इसमें भाई हम इंडोनेशिया के 05 डाल रहे हैं सिल्वर. अच्छा और वैगनार में भाई वैगनार में 16 इंच डालने हैं. कितने 14 इंच डलने हैं ओशन का. चलो एक बार अंदर पूछ लेते हैं कस्टमर. 14 इंच डलेगा. तो भाई जैसे कि आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि गाड़ियों का काम तो आपको दिखा रहे हैं बुलेट का. भाई हमने पास ये तीन बुलेट खड़ी है एक क्लासिक है दो स्टैंडर्ड है जिनमें हमने दोनों में काम करना है. तो इसमें भाई अलॉय व्हील चेंज करने हैं. ये खुद अंकुश भाई है अंकुश भाई खुद हमारे पास अपना काम करवाना है तो इसमें भाई अलॉय व्हील चेंज. चलो भाई एक बार कस्टमरों से पूछ लेते रेट वगैरह कैसा लगा है. भाई इन दोनों में चेंज करने अलॉय व्हील मर्सिडीज आ गई. चलो भाई तो भाई लक्ष्य भाई आए हुए अपने पास. भाई कौन सी गाड़ी है आपकी. स्विफ्ट गाड़ी है भाई. तो स्विफ्ट में क्या अलॉय व्हील डलवा रहे हो 16 इंच. तो यहाँ पे मतलब कैसे आपको पता चला भाई की दुकान के बारे में. पता चला था भाई एक भाई ने वो डलवाया दूसरे बताया बढ़िया टायर डाल. तो रेट वगैरह आपको सही लगे. ठीक है. और बात जैसे कि लक्ष्य भाई आए थे अपना भाई ने बताया कि भाई एक गाड़ी इन पहले भी डले थे तो भाई बढ़िया काम था क्या था भाई दोबारा आए हैं और बढ़िया काम करेंगे तो भाई दोबारा और भेजेंगे. भाई वैगनार वाले थोड़े शर्मा रहे कैमरे के आगे. भाई अलॉय व्हील वगैरह पसंद कर लिया आपने. पसंद कर लिया भाई. सही लगा रेट वगैरह बढ़िया रेट. चलो भाई और बाकी काम होने के बाद एक वीडियो बना देंगे पूरी. तो भाई की एक और बता देते हैं. भाई ने पहले भाई के दोस्त ने एक वैगनार में गलवाए थे भाई 13 इंची. तो भाई को रेफरेंस दिया था उन्होंने तो भाई उसमें 14 इंच करवाया अपनी. वो भाई की वैगनार खड़ी है उसमें भी हो रहा है स्विफ्ट में चल रहा काम. चलो भाई जो वैगनार अलॉय व्हील लगने आई थी वो कम्प्लीट हो चुकी है और इसकी ये लुक आ रही है. इसमें लगे हुए हैं 14 इंच के टायर और वो भी सीएट के. और इसका अगर मैं टायर साइज आपको बताऊं तो 165/70R14 ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है और सीएट ब्रांड के टायर हैं. इन अलॉय व्हील्स का ना सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है ये देखो इसकी एज बिल्कुल लास्ट तक है डायमीटर पे. तो ऐसा लगता है कि ये 14 इंच का नहीं 15 इंच का अलॉय व्हील है और काफ़ी क्लासी है. इसमें मर्सिडीज़ की कैप लगाई है. नट्स इसमें दूसरे लगाए हैं ताकि चोर चोरी ना कर सके. और इसकी गोटी भी अलग आती है वो दो दी जाती है इसके साथ में. तो चलो एक बार भाई से भाई का एक्सपीरियंस लेते हैं. भाई बताओ कैसे लगा आपको काम. मतलब भाई काम अच्छा लगा. पहले भी एक वैगनार में लगवा के ले गया था मैं. हाँ गियर ब्रांच से आया हूँ तो भाई ने अच्छी लगाई थी उसमें. और प्राइस वगैरह कैसा लगा. प्राइस वगैरह ठीक लगा. अगर कोई आना चाहे तो आप उसे रेकमेंड करोगे. आना चाहेंगे हम भाई को जरूर बताएंगे कि भाई के पास जाएं यहाँ पे. और विकास भाई ये बताओ जैसे इसमें कंपनी फिटेड 13 इंच आते हैं एलेक्साई मॉडल है वैगनार का. तो इसमें जैसे कोई आए नए टायर लेके आए उसका क्या हिसाब पड़ता है. थोड़ा साइड में आ जाओ रोड के बाद. अच्छा चाहे नए टायर हो चाहे थोड़े से चल. नहीं, नहीं, जैसे आप भाई के 3000 किलोमीटर चल रहे थे. हाँ. तो हमने 8000 रुपए भाई के लेस कर दिए हैं. अच्छा रिम प्लस टायर. रिम प्लस टायर और न्यू कंपनी से निकल के आएगी तो उसके 10000 रुपए रिम विद टायर. तो भाई जैसे ये 14 इंच के टायर हैं 14 इंच के टॉप मॉडल में भी आते हैं. सेम टायर आता है लेकिन जो कंपनी से टॉप मॉडल में टायर आता है ना वो थोड़ा बाहर नहीं होता. ये बाहर आ रहा है भाई. रिम का साइज जो होता है ना वो 5J होता है. अच्छा व्हील का होता है 6J 7J. अच्छा 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 तो भाई इसमें टायर में कोई इश्यू तो नहीं आएगा. जैसे आएगा भाई जब कभी भी नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं ना. अच्छा हाँ तो भाई देख लो. और अगर इसकी एवरेज कॉस्टिंग की बात करें मान लो 14 इंच के कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई. नहीं कोई 14 इंच के अलॉय व्हील लगवाने आ रहा है वैगनार जैसी गाड़ी में तो उसका क्या प्राइस होगा. 14 इंच अगर उसके सेम टायर है. नहीं सेम नहीं अलग अलग. ये भाई आपका 30,000-35,000 रुपए के बीच में पड़ जाता है. और अगर टायर समेत माने तो. हाँ टायर के साथ ही. अच्छा 34-35,000 टायर के साथ. और
30 से 34 35,000 के बीच में, जिसमें सीएट के कम भी आ जाता है भाई। अगर कोई कूड़ा ही डलवाएगा तो कूड़ा तो फिर वही 20,000 में ले लो। अब LXi वेरिएंट है वैगनर का, CNG जो आता है भाई ने इसमें काफी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है, और इसमें 70,000 से 75,000 रुपए ऊपर से लगा रखे हैं। पीछे स्पॉइलर भी लगा रखा है ये देखो, और यहाँ पे डिफ्यूजर लगा रखा है। ये गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई थी उसकी वजह से इसकी कंडीशन ऐसी हो रही, लेकिन अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं LED वाले, और ये क्लैडिंग देखो, ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग आती है, एक्सेसरीज का पार्ट है ये, कंपनी फिटेड नहीं आता। ये भाई ने इस पर भी पेंट करा रखा है, हालांकि थोड़ा सा पेंट अलग लग रहा है, पर छोटे मोटे स्क्रैचेस से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देगा ये। और अलॉय व्हील्स का और टायर का लुक आप कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अब मैं ना गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स ऐड कर देता हूँ, एक बार इंटीरियर से और दिखाता हूँ पहले गाड़ी। तो भाई ये फ्रंट इसका लुक है, इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं फ्रंट में, रियर में कोएक्सियल स्पीकर्स लगे हुए हैं, एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है, और स्टेयरिंग ये देखिए स्टिचिंग कितनी प्यारी हो रखी है स्टेयरिंग पे, और सीट कवर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल सीट कवर्स हैं। इस गाड़ी में LXi वेरिएंट में 70,000 से 75,000 आपके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फील होती है जब आप इतने पैसे लगा के अकॉर्डिंगली अपने मॉडिफाई करा सकते हैं। तो चलो लास्ट में इसके सिनेमैटिक शॉट्स और ऐड कर देता हूँ मैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.